कैसे बोलूं, हो ही नहीं रहा। बस बहुत हो गया। नेक्स्ट लिंजेरियस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनी और मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा पहला नायका हॉल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। एक्चुअली नायका पे बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे हैं एंड डिस्काउंट्स चल रहे हैं, सो मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग नायका हॉल से की है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स जंप टू द वीडियो। सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने लिया है जो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से उसको यूज़ कर रही हूँ। ये जो मेरे बाल हैं ना, इतने नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, तो इस बेचारे वाओ शैम्पू ने इनको बचाया हुआ है। सो मैंने ये एक जाने कितने बॉक्स अब तक परचेज कर लिए हैं, बट दोबारा मैंने इसको परचेज किया है। और मेरे पास वाओ का शैम्पू एंड कंडीशनर मैंने ऑर्डर किया है। मोस्ट फेवरेट एंड नेसेसरी प्रोडक्ट एवर, बहुत सारे लोगों का होगा। मैंने जाने कितनी बॉटल्स इनके फिनिश कर दिए हैं। इसकी प्राइस वैल्यू मुझे पड़ी है 654, जिसमें सिर्फ शैम्पू एंड कंडीशनर है। आप अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं क्योंकि ये ऑफर में अभी भी अवेलेबल है। सेकंड मेरा प्रोडक्ट है लॉरियर पेरिस का डार्क ब्राउन इंस्टेंट रूट। ग्रे हेयर आ रहे हो तो आप उसको टचअप कर सकते हैं इससे। बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको शेयर कर रहे हैं, सो आई थॉट के वाई नॉट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रे हेयर्स की और मुझे वीडियो शूट करना होता है। मैंने हिना वगैरह अप्लाई नहीं किया होता तो ये मुझे बहुत यूज़ में आने वाला है। बट आई थॉट मैंने इसका डार्क ब्राउन कलर जो है मैंने गलत मंगा लिया, मुझे ब्लैक मंगाना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक मुझे ब्लैक सूट होगा। डेफिनेटली मैं इसको आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ, लेकिन मैं इसका पूरा रिव्यू वीडियो मैं आपको अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये मेरे हेयर फॉल ना ला दे या कोई और इन्फेक्शन ना ला दे। अभी तो मैंने सिर्फ इसको ऑर्डर किया है। गाइस प्राइस की बात करें तो इसका 299 प्राइस चल रहा था एंड मुझे ऑफर में ही 269 में पड़ गया है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरे जैसी प्रॉब्लम है। ये किस तरीके से यूज़ में आने वाला है, आपको इंस्टेंटली किसी पार्टी में जाना है और फ्रेंड से या थोड़ा बहुत आपको ग्रे हेयर शो हो रहे हैं तो आप उसको टचअप कर सकते हो। ये लास्ट वॉश तक ये आपके रहने वाला है। ये आप जब तक इसको वॉश नहीं करोगे नहीं इसका कलर निकलने वाला है, मतलब आपकी ठंडा कर दिया स्किन को एकदम, मतलब इस तरीके से इसमें कलर आएगा। थोड़ा ही निकाला है मैंने, इस तरीके से अप्लाई करके आप अपने ग्रेस को कवर कर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कलर आया जो मुझे सूट नहीं कर रहा है, मुझे ब्लैक कलर चाहिए था। सो यस गाइस, माय थर्ड प्रोडक्ट इज निक्स का मेकअप फिक्सर ड्यू फिनिश। काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है ये एंड इससे मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है। इसे ड्यू फिनिश बोलते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ सब जगह हाईलाइटर अप्लाई नहीं किया हुआ है, लेकिन इससे पूरे फेस पे थोड़ा सा ग्लो आ रहा है। सो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को रख सकता है। सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वेरी नाइस प्रोडक्ट है। इस रेनी सीजन में एंड हॉट सीजन में ये बहुत अच्छे से आपको काम आने वाला है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 875 में मुझे पड़ा, लेकिन इसके साथ मुझे एक लिपस्टिक भी फ्री मिली है, विच इज़ वेरी मस्त कलर एंड यू कैन सी अ न्यूड कलर जो मुझे कब से चाहिए था। सी द स्वेचेस, काश मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकती। जो भी फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, लिपस्टिक आते हैं या कुछ, तो वो अपने आप से ही एड ऑन होके आते हैं, उसमें आप अपना कोई भी कलर वगैरह चूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी बेस्ट कलर है एंड बहुत सुंदर ही अप्लाई हो रहा था। इतना अच्छा टेक्सचर है ना इसका, ऑल ओवर द डे कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत ही रेयरली आपको उसके टचअप की जरूरत पड़ेगी और मैट फिनिश देने वाला है। इवन मेरे ख्याल से मैं इसको अलग से भी परचेज कर सकती हूँ। एक तो नाम इतने अजीब से होते हैं ना कि ये नहीं जाते। निक्स लिंजेरियस या जो भी, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी प्लीज। ओके सो यस गाइस, माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लॉरियल पेरिस का ये प्राइमर है, बेस मैजिक प्राइमर। मैंने ये हॉट समर के लिए, मतलब इस वाले वेदर के लिए लिया, जिससे कि मेरा जो बेस का मेकअप है वो बहुत लॉन्ग लास्टिक रह सके एंड पोर्स फिलअप हो सकें। क्यों एंड बहुत छोटू सी इसकी 15 ml की बॉटल है ये और
15 ml का इसमें प्रोडक्ट है टब में। देखो कुछ इसका कलर है पीच पिंकी सा, एंड टेक्सचर आप देखो बहुत स्मूथ है। अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन आई रियली डोंट नो इस तरीके से वैसे समझ नहीं आएगा। मैं पूरा मेकअप का ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इसके साथ में, एंड कुछ और प्रोडक्ट्स उनके साथ में पूरा का पूरा मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है, क्योंकि मैं बिफोर और आफ्टर मतलब कुछ घंटों बाद में मेकअप मेरा कैसे स्टे रहता है मैं पूरा आपको उसका रिव्यू शेयर करूँगी। सो गाइज बट एक बहुत अच्छी बात है, मुझे इसके साथ भी एक प्रोडक्ट भी मिला है, दैट इज़ लॉरियल पेरिस का ये लिपस्टिक। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव लिपस्टिक है और इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा थिन है ये। नाउ सी द कलर ऑल्सो आर वेरी नाइस यार, टू गुड। दोनों ही कलर लिपस्टिक के मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन फिर भी लालच तो आता है ना, मन में था कि काश मैं इनका कलर थोड़ा सा और चेक कर सकती, जैसे कि मुझे हॉट पिंक वगैरह चाहिए था, मुझे वो अलग से लेना पड़ेगा, मिल जाता तो ऐसे ही मज़ा आता था। सो गाइस कोई बात नहीं, इसका प्राइस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, थोड़ा प्राइजी है ये प्रोडक्ट, पर ये भी मैंने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के रिकमेंडेशन के बाद में परचेज़ किया है। प्राइस की बात करें तो 970 इसका MRP है, बट ये मुझे 776 प्राइस में पड़ गया, एंड इसके साथ ये वाला लिपस्टिक भी फ्री आया, सो मज़े आ गए। सो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है गाइज दिस वन, अ कलर बार का स्पंज। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके लिया है, बहुत ही अच्छा इसका एक साइज़ है, कॉम्पैक्ट साइज़ जैसा होना चाहिए, जो अंडर आइज़ को भी कवर कर ले, लिप्स को एंड बेस को अच्छे से कवर कर ले, एंड काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है इसका। और इसको इन दोनों को मैं आपको मेकअप के ट्यूटोरियल में ही अच्छे से दिखाने वाली हूँ कि ये कितना ज़्यादा बिग हो जाता है पानी में वेट करने के बाद में, ये कैसा रहता है स्क्वीज करने के बाद, कैसा मेरे मेकअप को अप्लाई करेगा। सो अभी मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर कर सकती हूँ। सो यस गाइज दैट ऑल आर माई ह्यूज ऑल, माई फर्स्ट एवर ऑल। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।